सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8, मूलांक 8। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है वो होते हैं मूलांक 8। सो मूलांक 8 हम सबको मालूम है कि जो रूल करते हैं उनको सैटर्न यानी शनि। अब शनि रूल करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये डर जाते हैं कि मेरा तो नंबर 8 है और शनि इसको रूल करते हैं तो मेरी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरी लाइफ ही बहुत टफ है, मैं जो भी करता हूँ जितनी मेहनत करता हूँ बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। और एक्चुअली में ये नहीं होता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो साल है ये 2024 ये शनि का साल है। हम सब बोल रहे हैं राइट, इतना समझ में आता है कि शनि का साल है, पर ये क्यों नहीं समझते, इसको इस तरीके से इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते कि यदि हम नंबर 8 हैं और ये जो शनि का साल चल रहा है दैट मीन्स कि ये हमारा टाइम है। आप जो करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको एंड ऑफ द ईयर तक दिख जाएंगे। जो भी इस साल में आप मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यदि आप कुछ फ्रूट्स रीप कर रहे हैं अभी, ऑलरेडी ले रहे हैं कि हाँ मेरे को कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं, पीछे कुछ किया हुआ है, तो वो पिछली मेहनत जो आपने की थी उसके रिजल्ट्स हैं। सो इट्स लाइक दैट, अगर आपने कहीं से ये नेगेटिविटी अपने मन में माइंड में ला दी है कि मैं हूँ नंबर 8 और मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, मैं जितनी मर्जी मेहनत करूँ मैं हमेशा ऐसे ही लूप में फंसा रहूँगा। अब ये भी एक एस्पेक्ट है देखने का नंबर 8 को। लोग कहते हैं कि नंबर 8 जो है वो एक लूप है, आप उसी में ही फंसे रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसको देखने का दूसरा नज़रिया ये है कि जब नंबर 8 वाले लोग होते हैं वो जब तक मेहनत नहीं करके वो अचीव नहीं कर लेते जो भी उनका टारगेट होता है, गोल होता है लाइफ का, वो तब तक रुकते नहीं हैं। मेहनत मतलब इतनी ज़्यादा कर सकते हैं, वो इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की, वो भी डिसिप्लिन से, तो जब तक उनको मिल ना जाए लाइफ में वो रुकते नहीं हैं। और जब मिल जाता है तो वो सक्सेस जो है वो दुनिया भी देखती है। दिस इज़ व्हाट नंबर 8 इज़ बेसिकली। क्योंकि जब जहाँ से शुरू हुए मेहनत करते करते, उस हार्डवर्क को करते करते, अचीव करते करते, जब आप वापस आते हैं अपनी जगह पे तब आपको मिलती है सक्सेस। लेकिन करते क्या हैं, पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, बीच में ही रुक जाते हैं, कहते हैं बहुत मेहनत कर ली, बहुत हार्डवर्क कर लिया, इतना करता हूँ कुछ नहीं मिलता, ये तो नंबर ही बनौती है। आप जैसे ही इन सब बातों को अपने माइंड में रखेंगे, नेगेटिविटी को रखेंगे, यू विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि आपका माइंडसेट कुछ इस टाइप का है अभी तक, सो चेंज इट राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ योर टाइम। एंड एक्चुअली लाइफ में नंबर 8 वाले जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर फर्स्ट हाफ लाइफ में बहुत मेहनत करने वाला होता है तो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देखने को मिलती है, क्योंकि जितना हार्डवर्क आपने किया है उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। अगर कोई सीड आपने सो किया है, बोया है बीज, तो वो एक दिन तो पेड़ बनेगा ही और उसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे ही आएंगे, राइट? सो ये चीज़ जो है जब आप समझ लेते हैं सो आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो जाता है लाइफ के लिए। सो नंबर 8 जो है बहुत लकी नंबर, लाइफ में बहुत कुछ देने वाला नंबर है। लेकिन आपको जो जो शनि चाहते हैं, यदि आप वही चीज़ें करते हैं लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में अपना लेते हैं, सो श्योरली आपको चीज़ें जल्दी मिलने शुरू हो जाती हैं। यू नीड टू बी इन डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड रहना, लेजीनेस बिल्कुल नहीं होना, लोगों की रिस्पेक्ट करना। अब वो लोग कौन हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हो सकती हैं, आपका हाउस स्टाफ जो क्लीनिंग स्टाफ है वो हो सकता है, लेबर, स्वीपर्स, जो भी आपका डेली लाइफ में आपके लिए वर्क करते हैं वो सब लोग, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके काम की वैल्यू करना। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं आई एम श्योर आपको भी आपके काम की वैल्यू नहीं मिल रही होगी। दिस इज़ ऑल कार्मा, शनि इज़ लॉर्ड ऑफ कार्मास। आप जैसा कर रहे हैं, जिसके भी साथ कर रहे हैं, आपको वैसा अपनी लाइफ में मिल रहा है। सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट लुकिंग पॉजिटिव, लोगों को वैल्यू करना, लोगों के काम की वैल्यू करना,
ये सब करना शुरू कीजिए एंड यू विल सी कि रिजल्ट्स कितनी जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और नंबर 8 को लूप की तरह मत देखिए, उसको थोड़ा लिटा दीजिए एंड इट विल बिकम इन्फिनिटी, नंबर ऑफ एबंडेंस, राइट? आपको एंडलेस ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इट विल बी बियॉन्ड योर लिमिट्स, राइट? सो स्टार्ट थिंकिंग दैट वे। सैटर्न इज लाइक जस्ट हियर फॉर गिविंग अस द रिजल्ट्स, गिविंग अस द फ्रूट्स ऑफ आवर हार्ड वर्क, हमारी मेहनत का फल देने के लिए शनि हैं। और जब आप ये सब कुछ सोचते हैं, सो 2024 क्या लाइफ लॉन्ग यू विल गेट द सक्सेस, बस आप अपना हार्ड वर्क रखिए, मेहनत कीजिए और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई लाइफ में ये कीजिए एंड यू विल सी कितना पॉजिटिव नंबर है ये, कितना लकी नंबर है ये।